कल कानपुर में पीएम मोदी की जनसभा थी और कानपुर से ही एक कार में तोड़फोड़ की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासी जंग में एक नया मुद्दा पैदा कर दिया और अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है क्योंकि इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो एसपी कार्यकर्ता है। दूसरी चौंकाने वाली जानकारी यह है कि जिस कार पर हमला हो रहा था वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की ही गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें से एक समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी भी हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब समाजवादी पार्टी ने उसे सस्पेंड कर दिया है। भले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की हो लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी के रैली के दौरान कहीं कानपुर में हिंसा और माहौल खराब करने की साजिश को नहीं रची गई थी। तो कानपुर में यह बवाल हुआ और इस बवाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है। हालांकि ये बवाल बढ़ने से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 5 आरोपियों को धर दबोच लिया जिसकी कार थी, जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर ये हिंसा भड़कती तो आखिर कितना हैरान करने वाला दृश्य होता या फिर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता या फिर हिंसक तस्वीरें किस तरीके से बढ़ती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने सख्ती बरतते हुए इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और सही तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोच लिया।